हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए आई कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि किचन में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि क्या है वो टिप्स। तो जब भी हम चटनी पीसते हैं, धनिया की हो, मिर्च की हो, प्याज की हो, जिस चीज़ की हम चटनी पीसते हैं, क्या होता है जब हम वाटर ऐड करते हैं ना, तो उस टाइम के बाद ये होता है कि ग्रेवी ना बहुत पतली हो जाती है। मिक्सी को चलाते हैं तो काफ़ी टाइम में तो ये मैश ही नहीं होती, क्योंकि पानी की वजह से इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि सिलबट्टे की होती है वो इजिली पिस जाती है। बट इसको हम क्या करेंगे, जो धनिया आप देख रहे हैं ना साइड में मैंने रखा है, तो कुछ धनिया मैंने इसमें डाल दिया था और ये देखिए अच्छे से मतलब गाढ़ी ही नहीं हुई है चटनी। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, जो बाकी धनिया हमने ये लिया था और लास्ट में जो लहसुन की कलियां हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एंड अब हम मिक्सी चलाएंगे, इसके बाद आप देखना क्या थिकनेस होगी चटनी की, कि आप देखते रह जाएंगे, इतनी अच्छी, इतनी गाढ़ी, इतनी टेस्टी होगी। ये देखिए क्या थिकनेस है चटनी की, मतलब बिल्कुल, मतलब बहुत अमेजिंग कलर भी आया है। प्लस क्योंकि मैंने इसमें बादाम और लहसुन दोनों डाला, जैसे बादाम से थोड़ी थिकनेस आती है और लहसुन धनिया से ऑब्वियस की टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो ये देखिए मटर, जब भी हम मटर छीलने की बारी आती है तो ये काम ना बड़ा आफत भरा लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मटर हम कितनी इजीली छील सकते हैं, और सर्दियों में तो ऑब्वियसली ये क्या होता है ना, सर्दियों से जो इनके छिलके होते हैं बहुत कड़क हो जाते हैं, तो इनको छीलना इतना मुश्किल हो जाता है, इवन को टच करते भी बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होता है। तो इसके लिए एक बेस्ट टिप आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई, प्लीज एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं दिखाती हूं आपको क्या करना है। एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए जिसमें आपको सारी मटर रख लेनी है, कवर करके अच्छे से सारी मटर को हम रख लेंगे इकट्ठा करके। देखिए मेरे पास थोड़ी कम मटर मुझे छीलनी थी तो मैंने कम लिया, आपको ज्यादा करनी है तो ज्यादा बड़ा कपड़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे प्रेस, जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, हाँ जी वही घर की नॉर्मली प्रेस जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं। बहुत सारे काम, पता है ये जो प्रेस होती है ना, ये आपको बहुत सारे घर और किचन के काम में बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कपड़े प्रेस करने हो या बहुत सारी ट्रिक्स से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी हर दिन। तो प्लीज उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिसको भी मेरी टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगती हैं। तो अभी देखिए जैसे ही हम इस कपड़े पे ये जो मटर के ऊपर प्रेस कर रहे हैं ना, अच्छी मैंने प्रेस को फुल करके रखा, तो ये देखिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, इसकी लाइट भी बंद हो जाती है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है उसकी लाइट बंद हो जाती है। तो अभी बहुत ज्यादा गर्म हो गई है ये प्रेस, और जो इसकी मटर है आप देखने लगेंगे धीरे धीरे सॉगी होने लगेंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मटर कैसी हो गई है प्रेस करने के बाद। तो ये देखिए मटर कितनी सॉफ्ट हो गई है, इवन इनको छीलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मटर आधी से ज्यादा खुद खुलने लग गई है। अभी क्या हो रहा था ना, इससे पहले मटर कड़क हो रखी थी ठंडी में, ठंडी में क्या होता है ना सब्जियां बहुत सख्त हो जाती है, उनको ओपन करने में बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए कितना इजीली ओपन हो रही है। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एक। अब चलते हैं हम अगली टिप की तरफ। तो ये है प्याज, जब भी हम प्याज काटते हैं तो प्याज बहुत रुलाती है, जिससे हमें बहुत ज्यादा समस्या होती है, आंखों में जलन होती है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा पानी लेना है और उस पानी के अंदर ये प्याज को हमें थोड़ी देर कम से कम 5-10 मिनट भिगा के रखना है, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे कट करिए। बिलीव मी गाइज, ये इतनी ज़्यादा यूजफुल है ना, मुझे हमेशा प्याज काटते हुए मेरी जान जलती थी कि भाई प्याज कैसे काटेंगे, क्योंकि आंखों में आंसू ना आ जाते हैं ना तो वो कंट्रोल नहीं होते। तो ये ट्रिक बेस्ट है, जब भी प्याज काटो तो पहले दो पार्ट करके ना उस प्याज की आपको पानी में भिगा देनी है। इससे क्या होता है कि प्याज जब आप फिर कटिंग करेंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, कोई जलन नहीं होगी। टिप अच्छी लगी तो लाइक करना। अभी चलते हैं हम अगली टिप की तरफ। तो ये देखिए चीनी, अक्सर क्या होता है चीनी के डब्बों में ना चींटियां लग जाती है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, हर घर में ये दिक्कत बहुत ज्यादा होती है कि भाई चीनी में चींटियां हो गई। तो ये समझ नहीं आता कि ये चींटियों को कैसे भगाएं और ऐसा क्या करें कि ये कभी चीनी के डब्बे में नहीं आए, क्योंकि बहुत गंदा लगता है जब हम चाय बनाने के लिए डब्बा खोलते हैं और उसमें चींटियां मिल जाती हैं। मतलब एकदम बहुत डर्ट फील होता है, बहुत गंदा फील होता है। तो इसके लिए मैं एक बेस्ट टिप आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, प्लीज घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा जिसने अब तक नहीं की है। सबसे पहले हम लेंगे ये लौंग नहीं है सिर्फ, ये मैं बताती हूँ ये अमेजिंग है, मतलब बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स आप सिर्फ इनसे कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ, ऐसे आपको चीनी के डब्बे में रखनी है और डब्बा बंद कर देना है, बहुत इजी। अगर आपको टिप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाय, टेक केयर।